अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इशाज़ यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सो भाई, आज आप लोगों की फरमाइश पे और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मुझे DMs आते थे कि भाई आप अपना मेकअप ट्यूटोरियल दें। सो मैं जो आज ही मेकअप करने लगी हूँ, या आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। डेली बेसिस पे ऐसा मतलब लाइक अगर आपका सडन कोई प्लान बना है, या फ्रेंड के पास जा रहे हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अगर आप लोगों को त्यार श्यार होने का शौक है तो आप ये लुक कर सकते हैं। ना इसमें आईलैशेस हैं और ना ही इसमें लेंस हैं, क्योंकि मैं लेंस बहुत कम है, बहुत कम लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती। बाकी ये गर्मियाँ भी हैं तो उस हिसाब से ये थोड़ा लाइट सा मेकअप कोई भी करेगा अच्छा लगेगा। सो या अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ, सो लेट्स गो। सो गाइज, फर्स्ट स्टेप है आपने अपने फेस को वॉश कर लेना। एंड दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपने फेस पे आइसिंग करनी है, या ठंडा पानी लेकर बाउल में उसमें डिप कर लेना है, जैसे भी आपको इजी लगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो मेकअप है वो फ्रेश भी दिखेगा, और दूसरा ये कि वो थोड़ा टाइम तक चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपका फेस ड्राई हो जाता है 10-15 मिनट्स के बाद आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तब भी आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर के बिना मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, आपकी स्किन अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। इस पर ड्राइनेस आ जाएगी या कोई भी पैचेस बन जाएंगे, वो अच्छी नहीं लगेगी। सबसे पहले जी आपने ऑयल, मेरी बहुत ज़्यादा ऑयल स्किन है इसलिए मैं ऑयल फ्री ये मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी, ये वाला। सो सबसे पहले जी मैं इतना या थोड़ा सा और मॉइस्चराइजर लगा लूँगी अपने फेस पे। और आपने अपने स्किन, अगर आपकी सेंसिटिव है ना, तो आपने बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से लगाना है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज़ोर से लगी, नहीं, मैं बिल्कुल लाइट हाथों से अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। अच्छा, हर किसी के स्टेप्स अलग होंगे। अगर कोई किसी तरह मेकअप करता है, कोई किसी तरह मेकअप करता है, लेकिन जिस तरह मैं मेकअप करती हूँ, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और आई होप आप लोग लाइक करेंगे। सो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया। मेरा सेकंड स्टेप है, आप कोई भी सीरम लगा सकते हैं, लाइक मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, और ये भी यूज़ कर सकती हूँ, जो आपकी स्किन को बेस्ट लगे और जो आप करना चाहें। फिलहाल मैं यूज़ करूँगी ये वाला। ओके जी, मैंने सीरम लगा लिया। जो मैंने सीरम लगाया वो एज अ प्राइमर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, जो हम मेकअप से पहले लगाते हैं। लेकिन आप मेरी स्किन पे देख रहे हैं पिंपल्स हुए हुए थे, जो निशान है, इस वजह से मैं ये वाला प्राइमर भी इसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। एक सेकंड में दिखाती हूँ। अच्छा, ये भी अप्लाई करूँगी मैं थोड़ा सा इस साइड पे, ताकि मेरी जो मैं बेस लगाऊँ वो थोड़ी वो स्मूथ आए, ठीक है। मैं अपना मेकअप हाथों से करती हूँ, क्योंकि मैं बताऊँगी कि मैं किस टाइम अपने फेस पे पफ यूज़ करती हूँ। बाकी बस जी, अब जो है फाउंडेशन की बारी। लेट्स गो। सो गाइस, ये वाला अब मैं ये बेस लगाने वाली हूँ। एक सेकेंड, ठीक है, वेट एंड बॉयल्ड की बेस है ये, एंड माय स्किन टोन के साथ ये यहाँ पे लगाऊंगी। और मैं आपके सामने बहुत स्लो स्लो मेकअप करी हूँ, लेकिन मैं ये स्लो स्लो मेकअप नहीं करती, मैं बहुत फास्ट मेकअप करती हूँ, ताकि मैं आपको स्टेप मेरा जो है ना समझ आ जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपनी चीज़ें पफ वगैरह किसी को यूज़ नहीं करने देती, और अपने सिस्टर्स को भी नहीं। मेरी स्किन सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा पिंपल्स के हिसाब से, तो इसलिए अब मैं ये जो है ना। सो ओके जी, वो मैंने फाउंडेशन लगा लिया। वो फाउंडेशन मेरी स्किन के टोन के साथ बिल्कुल मैच थी, ठीक है। अब जो मैं फाउंडेशन लगाऊंगी वो थोड़ी सी लाइट होगी, लाइट ही हो कहनी चाहिए, या ओके। सो वेयर इज माय फाउंडेशन, या हियर इज, दिस इज HD स्टूडियो फाउंडेशन। सो अब ये लगाऊंगी। सो
हाय मामा, हो रही है? या आप मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है? सो ओके, अब मैंने ये फाउंडेशन लगा ली जहाँ जो मुझे लगानी थी। अब इसको भी मैं अपने हाथों के साथ मिक्स करूँगी। आप ये देख रही है बहुत ज़्यादा वाइट, ये वाइट नहीं होगी, ये देखिएगा जब मैं मिक्सअप हो जाऊँगी ना। आइज़ मेरी फाउंडेशन हो गई है लुक। सो अब मैं लगाऊंगी कंसीलर। आप आइज़ के नीचे देख रहे हैं ना, तो ये मैं मिस रोज का लगाऊंगी और ये बहुत अच्छा है। सो यस, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ मेकअप की, मुझे आइडिया नहीं कि कैसे बनाते हैं, बट जैसे बनाओ लाइक कर देना प्लीज़। मुझे लगता है आज मैंने कहा था ना कि वो कौन सा पार्ट है जब मैं अपने फेस पे पफ यूज़ करती हूँ, वो यही पार्ट है जब मैं अपने फेस पे पफ यूज़ करती हूँ, जब मैं कंसीलर लगा लेती हूँ। सो या बाकी हमारे अंदर ये सब बहनों में ये अच्छी बात है, हर कोई मेकअप कर लेता अपना, है ना। देखो ज़ियान पीछे से हंस रहा है, क्रेडिट गोज़ टू मामा, माय मामा, ओ गॉड। सो ओके गाइस, मैंने अपना कंसीलर लगा लिया है और इसके बाद मोस्टली लोग जो मेकअप फिक्सर है ना वो लास्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बेस लगाने के बाद, फाउंडेशन लगाने के बाद यूज़ करती हूँ। सो माय फिसफिस, इसको मैं कहती हूँ फिसफिस। बहुत गई स्मेल है इसकी। सो यार ये ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने जो आई शेडो वगैरह लगाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। सो ओके जी, मेरा मेकअप फिक्सर ड्राई हो चुका है। सो अब जो मैं अप्लाई करूँगी, मैं पाउडर अप्लाई करूँगी। आप वो पाउडर अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो, जो आपकी स्किन के साथ मैच हो, या जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगता है वो ये अच्छा लगता है, दिस इज़ रियली गुड। अब ये देखें वाइट टून है, ये मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, बट मज़ा नहीं आता जो ये यूज़ करके मज़ा आता है ना। ये आपका अभी आप जब आप लगाओगे आपको लगेगा आपका चेहरा थोड़ा वाइट हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल आपके फेस के साथ मैच हो जाता है। सो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। आपको एक बात बताऊँ, अगर आपकी स्किन बहुत खूबसूरत है ना, तो अगर आप अकेला ये पाउडर भी उसके साथ लगाएंगे ना, जैसे मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन करके उसके ऊपर आप ये लगाएंगे, लिटरली आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा है। ये पीछे से जो आपको आवाज़ आ रही है, अपनी मम्मा भी मेरे साथ ऊपर आके लगी हुई है। वाओ, ठीक है, वो बात नहीं होता है कभी कभी ना ऐसे भी। हाँ जी, या मम्मा, या यू राइट, यू ऑलवेज राइट। मैं बाबरों को भी कहती हूँ यू ऑलवेज राइट। ओके जी, अभी मैं इसको मिक्स करूँगी, आप देखिएगा। सो ओके, अब मैंने पाउडर लगा लिया है, अब मैं लगाऊंगी आई शेडो। सो ये आई शेडो मैं लगाऊंगी। आप ये आई शेडो मेरा देख रहे हैं, सब जो शेड्स हैं फुल हैं जस्ट इसके अलावा, क्योंकि मैं कहीं पर भी चले जाऊँ मैं यही शेड लगाती हूँ। मैंने आपको बताया ना कि डेली बेसिस पे मैं यही, तो ये ख़त्म होने वाला हुआ है, कोई बात नहीं। सो ओके, अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने आईज पे। मेरे पास और भी बहुत सारे जैसे लाइक कलरफुल शेडो वाली आई पैलेट होती है पड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका ये शेड मुझे अच्छा लगता है। सो अब एक मिनट, इसको मैं ज़रा अपने ना शीशे के आगे मिक्स करती हूँ, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा। वाओ, मैं कितनी मेकअप, वो ये कह रही ना मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज नहीं हूँ, बट लाइक चीज़ें भूल रही हूँ। अभी मैंने अपने आईब्रोज मैंने बनाए नहीं और पहले मैं आई शेडो लगा रही, बट कोई बात नहीं, अब एक आँख ऐसी हो गई तो दूसरी आँख हल्का सा करके ना। सो गाइज, यही वाला जो शेडो ना मैं हल्का सा आइज के नीचे भी लगाया है, और अब मैं जो इनर कॉर्नर है ना उसके अंदर मैं ये वाला जो मेरा शेड है ना मैं ये लगाऊंगी,
मून डस्ट, यस, इसको अंदर की तरफ लगाऊंगी मैं. ये देखिए एक मिनट यार. लुक्स नाइस. ओके गाइस, मैंने अपना आइस का जो शैडो है वो लगा लिया है और अब मैं मेकअप का जो मेन पार्ट होता है ना वो करने लगी हूँ. अगर आपके आईब्रोज़ प्यारे बने ना तो आपकी लुक भी बहुत प्यारी लगती है. अगर आपके आईब्रोज़ सही नहीं बने ना, फिर जितना मर्ज़ी आप अच्छा मेकअप कर लें, आप प्यारे इतने ज़्यादा नहीं लग सकते. सो मैं करने लगी हूँ अपने आईब्रो सेट. और मैं हमेशा पेंसिल को ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैंने और भी चीज़ें यूज़ करके देखी हैं जो इसके साथ शेप बनती है, जो ये इसके साथ इन्हेंस होते हैं ना, वो और किसी चीज़ के साथ नहीं हो सकते. सो या अब हम स्टार्ट करते हैं कि अपने आईब्रोज़ कैसे बनाते हैं. सो ओके गाइस, अब ये आपके आईब्रोज़ हैं, ठीक है. आपने कभी भी आईब्रोज़ की जो भी जिससे भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, मस्कारा यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आपने कभी भी इनर कॉर्नर के बिल्कुल एंड से स्टार्ट नहीं करना. आपने थोड़ा सा डिस्टेंस देकर फिर स्टार्ट करना है. लाइक एक सेकेंड. क्योंकि अगर आपके आईब्रोज़ अच्छे बने हुए हैं ना, तभी आपके जो आईज़ का मेकअप हुआ होगा ना वो इन्हेंस होगा और वो आपकी जो आपकी आईज़ होंगी ना वो प्यारी लगेंगी. अदरवाइज़ आपकी आईज़ डल भी लगेंगी, छोटी भी लगेंगी और अच्छी भी नहीं लगेंगी. मैंने इनर कॉर्नर से इस वजह से ये आईब्रो पेंसिल नहीं स्टार्ट की क्योंकि जब आप इसका ब्रश यूज़ करते हैं, जब आप इसको मिक्सअप करते हैं ना, तो उसके ऊपर ऑलरेडी ये इसका कलर लगा होता है, तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा अगर मैं इनर से स्टार्ट करती. इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस देकर स्टार्ट किया है. तो गाइस, आप डिफरेंस चेक करें, इसको मैंने कर लिया और इसको नहीं किया. लुक सो ओके, मैं ये वाला भी करती हूँ और फिर उसके बाद आती हूँ. सो ओके गाइस, मैंने ये दोनों अपने आईब्रो सेट कर लिए हैं. अब उसके बाद जो मैं करूँगी, ये वाला मैंने इसके ऊपर हल्का सा ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट कलर दिया है, ये वाला. ओके गाइस, अब मैं बताऊंगी लाइनर लगाने का तरीका क्या है. कभी भी आपने इनर से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है. एक मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ. ये जो मिड वाली लाइन है मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ किया है, ठीक है. एंड देन उसके बाद ऊपर से जहाँ पे इसकी लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ से नहीं लेकर जाना, उससे थोड़ा सा नीचे आप लाइनर लगाएंगे. थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं ताकि आपको नजर आए. सो ओके गाइस, मैंने अपना लाइनर लगा लिया, ठीक है. और क्या कहते हैं, आपको जैसा आपका लाइनर सूट करता है, बड़ा सूट करता है, छोटा सूट करता है, जिस तरह से भी सूट करता है. मुझे छोटी छोटी यहाँ तक लाइनर खत्म, मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे जब तक मेरा लाइनर बाहर तक ना आए मुझे अच्छा नहीं लगता. और इसके बाद लाइनर लगा लिया, अब मैं लगाऊंगी मस्कारा. तो यस, मैंने मस्कारा लगा लिया, नीचे अभी नहीं लगाया क्योंकि नीचे मैं लगाऊंगी वाइट पेंसिल. ये है मेरी वाइट पेंसिल जो मैं लगाऊंगी नीचे. और यस, फिर इसमें थोड़ा मैं चीज़ लेना. मैं नीचे लगाऊंगी अपना मस्कारा और माय आई मेकअप इज डन. देन सो गाइस, माय आईज मेकअप इज डन. अब मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन. अब
अब मैं लगाऊंगी इसके बाद लिपस्टिक. ओह माय गॉड आई एम टायर्ड. आज मेकअप करना बहुत टफ था. आप शीशे के सामने जब कर रहे होते हैं आप आराम से कर रहे हैं, आज तो मुझे मेकअप करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया. बट बहुत इजी मेकअप है ये, इजीली हो जाएगा. ओके गाइस माय आईज मेकअप एंड माय ब्लश वन इज डन. नाउ आई अप्लाई लिपस्टिक. मेरे लिप्स थोड़े छोटे हैं सो दैट्स वाई मैं इसको इन्हेंस करने के लिए लगाऊंगी, थोड़ा सा इसको आउटलाइन दूंगी इसको. और इसके अंदर मैं लगाऊंगी मिस रोज की लिपस्टिक. ओप्स इट्स ओके. तो सो गाइस मैंने लिपस्टिक लगा ली है, अब मैं इसके बाद थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी. ठीक है गॉड आज तो मेरा मेकअप बहुत लंबा हो गया. ये मेकअप मैं 15 मिनट्स 10 मिनट्स में कर सकती हूँ, जो कि मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया क्योंकि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो दैट्स वाई थक गई भाई. पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा क्या करें, और क्योंकि गर्मियाँ भी हैं और आपकी स्किन भी इससे अच्छी रहती है. सो गाइज माई मेकअप इज़ डन और आई होप आपको अच्छा लगा होगा. ये मेकअप आप कहीं पे भी करके जा सकते हैं, आप ये किसी इवेंट पे भी कर सकते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है या कहीं पे भी आप ये लुक दे सकते हैं. क्योंकि मैंने ये खुद ये लुक हर ड्रेस के ऊपर मैं देती हूँ, और इवन मैं ये लुक शादियों पे भी करके दे रही हूँ. सो अच्छा लगता है, लाइट सा मेकअप अच्छा लगता है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. और इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी बहुत एफर्ट लगी है. ये मेकअप मैं 15 मिनट्स में कर सकती हूँ, जो मुझे इस टाइम 1.5 आवर हो चुका है मैं बैठी हुई हूँ. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा, और भी बहुत सारी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी, जो कि अगर इसका फीडबैक मुझे अच्छा मिला. और सो या नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. Keep you in my heart, in my heart.